राजस्थान में संगठित अपराधों से निपटने के लिए एसओजी की नवगठित दो नई विशेष अनुसंधान इकाइयों में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इकाई और साइबर अपराध इन्वेस्टिगेशन को शीघ्र शुरू किया जाएगा। एसओजी की नए विशेष अनुसंधान इकाइयों के लिए कांस्टेबल से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक 16 पद स्वीकृत किए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वित्त विभाग की बैठक में लिया। नए सृजित पद 16 में से 14 पद एसएफआईयू और 2 पद सीसीआईयू के होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान में साइबर पुलिस स्टेशन का मानवीय और भौतिक संसाधनों सहित नवगठित सीसीआईयू में विलय किया जाएगा। साइबर थाने के लिए विभिन्न स्तर के 28 पद पहले से मौजूद हैं। इन इकाइयों के कार्य संचालन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विधि विशेषज्ञ की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा सकेंगी। राजस्थान पुलिस की इकाइयों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कुल 4.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।